सरफेस टेंशन जो है लिक्विड के बहुत ख़ास प्रॉपर्टी को बताता है, और सरफेस टेंशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है आप कह सकते हैं जिसके कारण नेचर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करता है। आप लोग सुने होंगे कि ये सरफेस टेंशन के कारण कैपिलरी एक्शन होता है, और कैपिलरी एक्शन के कारण ही पानी जो है पेड़ के जड़ से पत्ते तक पहुंच पाता है। ऐसे और कई फेनोमेना हैं, कई ऐसे चीज़ हैं जो वाटर के सरफेस पे ही एग्जिस्ट करते हैं, उसके कारण उसका कारण भी सरफेस टेंशन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। कुछ कुछ जैसे हम लोग स्ट्रिंग में टेंशन के बारे में जानते हैं, किसी स्ट्रिंग में टेंशन कब डेवलप होता है? जब स्ट्रिंग स्ट्रेच रहता है। अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं रहेगा तो कोई जीरो टेंशन होगा, और जब इसमें टेंशन, जब भी हम लोग स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और इसको दो भाग में बांट करके देखते हैं तो हर एक पार्ट दूसरे पार्ट पे फोर्स लगा रहा होता है और अपने तरफ खींचता है। टेंशन का फोर्स हमेशा क्या है? पुलिंग नेचर का फोर्स है, वो हर दूसरे पार्ट को अपने तरफ खींच रहा होता है। सरफेस टेंशन भी कुछ ऐसा ही है। सरफेस टेंशन के लिए हम लोग देखते हैं कि कोई भी लिक्विड अगर लेते हैं, कोई लिक्विड अगर लिया जाए, ऊपर का जो सरफेस है वो भी हमेशा खींचा हुआ रहता है, तना हुआ रहता है, और इस सरफेस पे जो टेंशन है उसको हम लोग कब महसूस करते हैं? जब आप कोई इमेजिनरी लाइन सोचते हैं, इस सरफेस के ऊपर अगर कोई इमेजिनरी लाइन आप सोचते हैं तो उस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ का जो सरफेस है वो दोनों एक दूसरे को खींच रहा होता है। सरफेस टेंशन एग्जैक्टली इस तरह का है कि जैसे कोई पतला सा थिन सीट, या आप कह सकते हैं कि कोई चादर लेकर के आप उसको चारों तरफ से खींच रहे हैं, चादर को चारों तरफ से खींच रहे हैं, या आप टेबल पे चादर को रख दीजिए और चारों तरफ से खींचिए, चादर में किस तरह का टेंशन होगा? आप उसको बीच से जैसे ही काटेंगे तो दोनों हिस्सा अलग अलग हो जाता है, तो हर दो हिस्सा एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं। या बलून को जब हम लोग फुला लेते हैं, हवा भरते हैं, तो जब उसका सरफेस तना हुआ रहता है तब उसमें एक टेंशन डेवलप होता है, और उस बलून के किसी भी हिस्से पे आप कोई इमेजिनरी लाइन अस्यूम कर लीजिए, उस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ का सरफेस एक दूसरे को खींच रहा होता है। तो वो किसी भी लिक्विड के सरफेस पे भी कुछ ऐसा ही होता है, उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। सरफेस टेंशन को फोर्स को, सरफेस टेंशन के फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये दोनों जो हिस्सा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग हम लोग कंसिडर करते हैं। एक ये हिस्सा है और दूसरा हिस्सा हम लोग कह रहे हैं ये इसका दूसरा हिस्सा है। तो सरफेस का हर एक हिस्सा दूसरे को खींच रहा है, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से पे फोर्स किधर होगा? इस सरफेस की तरफ। और जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा फोर्स। ये थ्री डायमेंशनल फिगर है इसलिए हम लोग ऐसे टेढ़ा बना रहे हैं, अदरवाइज जो इमेजिनरी लाइन आप खींच रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। और इस फोर्स की क्वालिटी है ये सरफेस के टेंजेंशियल होगा, जो भी सरफेस पॉइंट है उसके टेंजेंशियल होगा। ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अगर ये सारे फोर्स, नेट फोर्स यहाँ पे F है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम लोग कंसिडर करते हैं L है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स डिफाइन किया जाता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू F बाई L। यानी लिक्विड सरफेस के ऊपर किसी इमेजिनरी लाइन पे फोर्स पर यूनिट लेंथ जो डेवलप हो रहा है उसको सरफेस टेंशन कहेंगे। अब इसके हिसाब से जब सरफेस टेंशन हम लोग को मालूम रहेगा तो जितना लंबा लाइन हम लोग सोचे या जितनी लंबी लाइन हम लोग देखे जिस पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, फोर्स उतना ज़्यादा होगा। लाइन छोटी करेंगे फोर्स छोटा होता जाएगा। और ये सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस पर डिपेंड करता है। तो आप ये भी आसानी से गेस कर सकते हैं कि सरफेस के ऊपर का टेंशन मॉलिक्यूल्स के नेचर पर डिपेंड करता है, कुछ उसके फिजिकल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कराते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए?
कम होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस, उसके काइनेटिक एनर्जी सब बढ़ जाते हैं, तो उस कारण उसका जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स है वो वीक हो जाता है। जब इंटर मॉलिकुलर फोर्स वीक हो जाएगा तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। इसको अगर डिफाइन करना हो तो लिख लीजिए, व्हेन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन, व्हेन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड लिक्विड देन वन लेयर ऑफ लिक्विड सरफेस एग्जर्ट्स फोर्स ऑन दी अदर लेयर। दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। विच इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन एंड टेंजेंशियल टू दी सरफेस ऑफ लिक्विड। जो इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा फोर्स और लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। अब इसमें इस बात को भी आसानी से समझा जा सकता है कि लिक्विड के सरफेस पे ही ऐसा तनाव क्यों आता है। जैसे अभी जितना एग्जांपल्स हम लोग लिए कि सरफेस पे टेंशन क्यों डेवलप होता है, चाहे वो चादर का हो, टेबल पे चादर रख के उसको अगर चारों तरफ से नहीं खींचेंगे तो टेंशन ही डेवलप होगा। बलून को हम लोग अंदर से एयर भरते हैं तो अंदर से प्रेशर बड़ा होते जाता है, उस प्रेशर के अगेंस्ट उसको काम करना होता है, इसलिए उसमें एक टेंशन डेवलप होता है। यहाँ पे क्या कारण है जिससे सरफेस पे टेंशन हो रहा है, इसको समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे हम लोग लेते हैं कि ये अगर लिक्विड सरफेस है, लिक्विड के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इस पे चारों तरफ से, हर तरफ से मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाने वाले हैं। इस लिक्विड के चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, हर तरफ से जो मॉलिक्यूल्स हैं सभी फोर्स लगा रहे हैं, और सभी का फोर्स का अगर सिमेट्री देखेंगे तो फोर्स का सिमेट्री और मैग्नीट्यूड एक जैसा है, इसलिए नेट फोर्स अंदर वाले किसी भी मॉलिक्यूल्स पे जीरो है ऑलमोस्ट, जिस जो इसमें टेंशन डेवलप नहीं कर रहा कह सकते हैं। पर ऊपर वाला जो सरफेस है, यहाँ का जो सरफेस है उस पर आप देखेंगे तो इसके इस चारों तरफ नीचे का जो हिस्सा है, इसके चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, नीचे है, ये एक तो सरफेस के चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे होंगे, उसके अलावा नीचे जो मॉलिक्यूल है वो भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। इस पर नेट फोर्स किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अगर इस तरह से देखा जाए तो, इसमें सरफेस कभी भी इस तरह से एग्जैक्टली फ्लैट नहीं रहता है। हम लोग सरफेस को देखते हैं कि फ्लैट है पर एकदम एग्जैक्ट फ्लैट नहीं रहता है। उसके पीछे कारण है कि ये जो नेट फोर्स है वो
बीच के मॉलिक्यूल्स को अंदर खींचना चाहेगा। जब ये मॉलिक्यूल को अंदर खींचेगा तो सरफेस थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, और ये जो साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इस पर कुछ फोर्स लगाए हुए हैं। अब यहाँ वाला मॉलिक्यूल जो है, इसके साइड से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया है। इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ होगा, और नीचे से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फोर्स ये बैलेंस्ड कंडीशन में रहता है। तो सरफेस थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ये इस तरह से कॉन्केव सरफेस भी बना सकता है और कॉन्वेक्स सरफेस भी बनता है। कई बार क्या होता है कि ये जो साइड वॉल है, साइड वॉल का फोर्स लिक्विड पे ज़्यादा रहता है। तो साइड वॉल का फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जब इसको हम लोग साइड से जब खींचना शुरू करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स पे जिस तरह से हम लोग अट्रैक्शन का फोर्स देख रहे हैं वो रिपल्सन में भी चेंज हो सकता है। रिपल्सन में कैसे चेंज हो सकता है? अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया जाए, जैसे मॉलिक्यूल्स को आप निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा आसानी से, तब वो उसको फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। जब मॉलिक्यूल्स को ऊपर से कोई पुश कर दे कहीं से फोर्स लगा करके, जैसे चारों तरफ से फोर्स लगा करके हम लोग इसको नीचे की तरफ पुश करना चाहते हैं, तब क्या होगा? तब रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। जब वो ऊपर चला जाएगा तब भी यहाँ रिपल्सन के फोर्स के कारण अगर ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा, तो ये जो सारे सरफेस पे जो फोर्स लग रहे थे उसका डायरेक्शन किधर हो जाना चाहिए? नीचे की तरफ हो जाना चाहिए। और ये जब नीचे हो जाएगा तो ये सरफेस इस तरह से मुड़ जाता है। इस कर्व्ड सरफेस को मिनिस्कस ऑफ द लिक्विड कहा जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिनिस्कस के साथ साथ हम लोग को ये भी डिस्कस करना होता है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। सॉलिड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते ही लिक्विड का सरफेस क्यों मुड़ जाता है, इसका सारा रीजन हम लोग अलग से डिटेल में देखेंगे। इस सरफेस टेंशन का एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग। ये इस तरह का एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में ये अभी रेक्टेंगल नहीं था, एक साइड बनाना बाकी था। तो अब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर हो गया। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में दिखा रहा है कि एक साइड इसका जो है वो स्लाइड कर सकता है, ऊपर या नीचे आ सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको किसी लिक्विड में डुबा करके बाहर निकालते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कई बार, ये एरिया थोड़ा बड़ा दिखाया गया है इसको सही से समझने के लिए, पर ये एरिया जब छोटा रहता है आप किसी लिक्विड में उसको डाल के निकालते हैं, कोई रिंग ले लीजिए या इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप, तो उस बीच में लिक्विड रह जाता है। ऐसा होता है कई बार। ये चारों साइड्स अगर फिक्स्ड होंगे तब तो लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है उसके कारण इस सब पे स्ट्रेस आएगा, लेकिन एक एंड हम लोग कह रहे हैं कि एक जो साइड है वो फ्री है। ये जो फ्री साइड है उस पर लिक्विड का सरफेस टेंशन लगना स्टार्ट होगा। लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसे स्टार्ट होगा? ये लिक्विड का जो लेयर आप देख रहे हैं, लिक्विड के लेयर पे अगर टेंशन होगा तो यहाँ से अगर कोई लाइन हम लोग देख रहे हैं इस सरफेस को काट रहा है, तो सरफेस का इधर का जो मॉलिक्यूल्स है वो सब क्या होगा, अगर यहाँ पे लिक्विड होता तो लिक्विड को ऊपर खींच रहा होता है, और अगर यही सरफेस सॉलिड के कांटेक्ट में आ जाए तो सॉलिड को भी खींचता है। ये इसके आगे भी ये लिक्विड का लेयर होता है, तो लिक्विड का एक लेयर दूसरे को खींचता है जिस तरह से, वैसे ही ऊपर का लेयर नीचे को खींचेगा। नीचे का लेयर नहीं है, लेयर को हटा करके आप उसको, जैसे आप बलून फुलाए और बलून को काट दिए तो बलून रहेगा, अगर उसको रखे रहना होगा उसी पोजिशन पर तो क्या करेंगे, जो बलून का एक लेयर हटाया गया उसके जगह पर कोई सॉलिड कॉन्टैक्ट से पकड़ के रखना होगा। तो ये सरफेस अपने कंडीशन में बना हुआ, अपने तनाव में बना हुआ, टेंशन में बना हुआ है। तो इसके पीछे कारण है कि ये जो चारों तरफ से सरफेस जो कटा हुआ दिख रहा है, उस कटे हुए भाग पे जो सॉलिड मटेरियल कांटेक्ट में है वो फोर्स लगा रहा है। ये नीचे का रॉड हम लोग कह सकते हैं, या ये जो साइड है वो इस पर फोर्स लगा रहा होगा। किधर? इस रॉड पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण, और रॉड का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे।
या कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पे कितना फोर्स होना चाहिए नीचे जो इस सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस कर सके। कई बार पूछते हैं कि रॉड का वेट क्या होगा जो बैलेंस्ड कंडीशन में हो, या कितना फोर्स लगाना होगा इसको होल्ड करके रखने के लिए, नीचे बनाए रखने के लिए। तो ये फोर्स एग्जैक्टली कितना होगा इसको जानने के लिए क्या करेंगे, ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन कहलाता है, और सरफेस टेंशन के कारण अगर फोर्स कैलकुलेट करना होगा ऊपर जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ के बराबर होगा। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये लेंथ हम लोग मान लेते हैं L है, तो सरफेस टेंशन के कारण ऊपर फोर्स कितना है, S इनटू L। इसमें एक पॉइंट और नोटिस करना है कि जब कोई हम लोग लिक्विड लेयर की बात करते हैं, हम लोग लेयर फोर्स नहीं लगाता, लिक्विड का सरफेस फोर्स लगाता है। जब कभी भी हम लोग लिक्विड लेयर्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पतला से पतला लेयर जो है, इससे भी थिन लेयर होगा लिक्विड का मान लेते हैं, इसके दो सरफेस हैं, है दो, एक आपको दिख रहा होगा एक हमको दिख रहा है, इधर भी तो एक सरफेस है। ये भले देखने में बहुत थिन लग रहा है पर इसमें करोड़ों करोड़ लेयर्स जो हैं। अब इसके थिकनेस को कम नहीं आके, इसके थिकनेस में कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे, बहुत सारा होगा, एटम का साइज तो एकदम नेग्लिजिबल है। तो ये जो लेयर्स आपको दिख रहा है पतला सा, उसके दो सरफेस है, एक इधर और एक नीचे। तो इधर वाला सरफेस इस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर, और इधर का सरफेस का जो पॉइंट्स है वो भी ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो एक जो टोटल फोर्स कितना हो गया सरफेस टेंशन का, इंटू टू करना होगा, सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो टू इंटू एस इंटू एल है। ये फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना होना चाहिए, ए फिजिकल्स टू टू एस एल। एस यहाँ पे क्या लिया गया है, सरफेस टेंशन को ही कह रहे हैं।